लिखो, इट रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट, इट रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट। इट रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट पॉइंट। हो गया। हाँ हाँ नेक्स्ट लिखो। जनरली स्फेरिकल, जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। नेक्स्ट पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द सेल वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर, द सेल वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर, द सेल वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर, द सेल वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब, माइक्रोस्पोर मतलब माइक्रोस्पोर मतलब मेल गैमेट। हाँ, और इसके सेल वॉल को बोलते हैं स्पोरोडर्म। सेल वॉल को बोलते हैं स्पोरोडर्म। कंसिस्ट ऑफ दो लेयर होता है एक्चुअली, जो पॉलन ग्रेन होता है ना उसके जो उसका सेल वॉल होता है वो दो लेयर का होता है। कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, दो लेयर का। द आउटर वन इज कॉल्ड, द आउटर इज कॉल्ड एग्जाइम एंड द इनर इज कॉल्ड इन टाइम। जो बाहर वाला लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, एग्जाइम, और जो अंदर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं इन टाइम। देखो ये है तुम्हारा पॉलन ग्रेन, इस पॉलन ग्रेन के ऊपर दो लेयर होगा, ये रहा पहला लेयर, ये इनर लेयर है, इसको क्या बोलेंगे इन टाइम, और जो इसके ऊपर में बाहर वाला लेयर है इसको बोलेंगे एग्जाइन। ठीक है, एग्जाइन इन टाइम, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरो पॉलेनिन। एग्जाइन जो है वो एक केमिकल से बना है, इसका नाम है स्पोरो पॉलेनिन। स्पोरो पॉलेनिन जो है ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल। स्पोरो पॉलेनिन इज द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल which can withstand high temperature and strong acid. मतलब ये जो स्पोरोपोलेनिन है, ऐसे ही बना लो डायग्राम और इसी में लिख लो स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट केमिकल। ये मोस्ट रेसिस्टेंट केमिकल सब्सटेंस है जो कि कैन withstand high temperature, strong acid and strong alkali. मतलब इतने सारे चीज को वो रोक सकता है। स्पोरोपोलेनिन जो है ये एग्जाइन में होता है, ये दुनिया का सबसे रेसिस्टेंट केमिकल है जो कि हाई टेम्परेचर को झेल लेगा। कितना भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी स्ट्रॉन्ग अल्कली हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब बहुत ही रेसिस्टेंट केमिकल है, वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट, या ऐसे बोलते हैं इसके बारे में कि कोई भी एंजाइम जो इसको डिग्रेड कर दे आज तक हम लोगों को पता नहीं चला। तो ये भी लिखो, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, इसको लिखना ही। देखिए ऐसे ही एक और एरो बना लो, लिखो नो एंजाइम। नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ में आया? पॉलन ग्रेन में ये होता है। हाँ, पॉलन ग्रेन का जो सेल वॉल है उस पे दो लेयर, बाहर वाले लेयर को बोले एग्जाइन, अंदर वाले को बोले इंटाइन। ये जो बाहर वाला लेयर है एग्जाइन, उसमें एक स्पेशल केमिकल मिलता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। अच्छा, वो बना। ठीक, ये दुनिया का सबसे रेसिस्टेंट केमिकल है
जो कि कितना भी ज्यादा टेम्परेचर को सह सकता है, कितना भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग अल्कली से इस पर रिएक्शन करा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब स्पोरोपोलिनिन के बारे में एक और पॉइंट, नो एंजाइम विच कैन डिग्रेड, मतलब डिकम्पोज, डिग्रेड का मतलब होता है डिकम्पोज। स्पोरोपोलिनिन इज येट नोन, मतलब अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं मिल सका जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट लिखिए। अच्छा लिखो लिखो, इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, थोड़ा सा जूम कर दें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन due to the presence of sporopollenin due to the presence of sporopollenin in the exime of pollen grains they are well preserved as fossils। Well preserved as fossils। ठीक है, चूंकि ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये कि ये पॉलन ग्रेन के एक्साइन में होता है, और पॉलन ग्रेन में एक्साइन में होने की वजह से पॉलन ग्रेन का एक्साइन कभी भी डिकम्पोज करेगा, कभी नहीं करेगा, और इसीलिए भले ही प्लांट खत्म हो जाए या एनिमल खत्म हो जाए, लेकिन पॉलन ग्रेन अक्सर फॉसिल के फॉर्म में प्रिजर्व रह जाता है, क्योंकि वो तो डिकम्पोज होता ही नहीं। समझे बात? नेक्स्ट पॉइंट, द एक्साइन एग्जिबिट्स, एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन्स, फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। ये जो एग्जाइन है ना, इसके ऊपर बहुत ही अच्छा, या यूं बोलो कि एक से एक अजीब से अजीब तरह का, या एक से बढ़कर एक पैटर्न और डिजाइन बना हुआ होता है एग्जाइन के ऊपर। मतलब ये कि जो पॉलन ग्रेन है, देखो ये है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के ठीक ऊपर कौन सा लेयर, इंटाइन, और इसके भी ऊपर एग्जाइन, एग्जाइन। और ये जो एग्जाइन है ना, ये स्मूथ नहीं है, इस एग्जाइन के ऊपर इस तरह से बहुत सारा पैटर्न्स बना हुआ है। ठीक है, और एक से एक पैटर्न, मतलब ये फिक्स नहीं है, अलग अलग तरह का पैटर्न, और यूं बोलो कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है हर एक स्पीसीज का, अलग पॉलन ग्रेन में अलग तरह का पैटर्न बना हुआ मिलता है, इससे पता चलता है कि अच्छा ये इस स्पीसीज का पॉलन है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि इसके ऊपर एग्जाइन के ऊपर बहुत सारा पैटर्न और डिजाइन बना होता है। ठीक है, अब देखो, अब दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि अगर कोई चीज इतना हार्ड है कि कोई केमिकल दुनिया में उसको डिकम्पोज नहीं कर सकता, तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर से बाद में एक पॉलन ट्यूब निकलना है ना। अब कोई कंपाउंड या कोई भी केमिकल इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता, ये बात सही है भाई कि कोई भी इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता, डिकम्पोज नहीं हो सकता है एग्जाइन। तो आखिर ये पॉलन ग्रेन बाहर आता कैसे, सॉरी पॉलन ग्रेन बोल रहा हूँ, पॉलन ट्यूब एग्जाइन, क्योंकि पॉलन ट्यूब ओरिजिनेट अंदर से हुआ, वो पहले इंटाइन को क्रॉस करेगा, इंटाइन को क्रॉस करने के बाद किसी तरीके से एग्जाइन को क्रॉस करेगा, तभी बाहर आ सकता है। समझ में आ रहा है बात? और एग्जाइन इतना हार्ड है कि उससे कोई भी चीज क्रॉस नहीं कर सकता, कोई केमिकल नहीं, हम उसको डिकम्पोज कर ही नहीं सकते, तो आखिर ये पॉलन ट्यूब बाहर कैसे आ जाता है। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब के बाहर आने के लिए, पॉलन ट्यूब के बाहर आने के लिए एग्जाइन में, देखो अभी तुमको एक इरेजर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दिख रहा है जो जगह जगह पे हम मिटा रहे हैं ग्रीन पैटर्न को। अब यही थोड़ा सा जगह छोड़ देता है शायद। हाँ बिल्कुल, ये जो एग्जाइन है ना, एग्जाइन में ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये कंटिन्यूअस नहीं होता, बीच बीच में कुछ गैप्स होता है एग्जाइन में,
स्पोरोपोलेनिन कंटिन्यूअस नहीं होता, बीच बीच में कुछ गैप्स होता है जहां स्पोरोपोलेनिन नहीं होता, उन जगह को बोलते हैं जर्म पोर, और वहीं से पोलन ट्यूब बाहर आता है। ठीक है, एग्जाइन में स्पोरोपोलेनिन का लेयर कंटिन्यूअस नहीं होता, ये स्पोरोपोलेनिन कहीं कहीं कुछ जगह छोड़ देता है, और जहां पे वो जगह हो जहां पे कि स्पोरोपोलेनिन नहीं है, स्पोरोपोलेनिन जहां नहीं है उसको बोलते हैं वीक पॉइंट, वीक पॉइंट या फिर उसको जर्म पोर बोलते हैं, और उसी वीक पॉइंट या जर्म पोर से पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन के बाहर आता है। ठीक है, लिखिए अब पॉइंट, वीक पॉइंट्स आर प्रेजेंट, इसको मिटा दे रहा है, वीक पॉइंट्स आर प्रेजेंट, वीक पॉइंट्स आर प्रेजेंट अपॉन द एग्जाइन, वीक पॉइंट्स आर प्रेजेंट अपॉन द एग्जाइन वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, वीक पॉइंट्स आर प्रेजेंट ऑन द एग्जाइन वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, weak points are present on the exine where sporopollenin is absent, these points are called germ pores, these points are called germ pores from which the pollen tube, from which the pollen tube usually arises as an extension of intyme, देखो सबसे अंदर वाला है पॉलन ग्रेन, सबसे ऊपर वाला है एग्जाइन, देख रहे हो सबसे ऊपर में है ये वाला लेयर कौन सा है एग्जाइन, और एग्जाइन के ऊपर ये जो हम डायग्राम बनाए ये क्या है स्पोरोपोलेनिन। अब देखो ये स्पोरोपोलेनिन क्या कंटिन्यूअस है, नहीं, यहाँ पे कुछ गैप्स है, जैसे ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, इन गैप्स में पोलन ग्रेन में स्पोरोपोलेनिन नहीं है, और स्पोरोपोलेनिन नहीं है तो इन गैप्स को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये वीक पॉइंट है, और इसको बोलेंगे जर्म पोर, क्या बोलेंगे जर्म पोर, इस जर्म पोर से यहां से एराइज होता है पोलन ट्यूब, मतलब पोलन ट्यूब का एराइज पोलन ग्रेन से एग्जैक्टली नहीं होता, इससे नहीं होता। ठीक है, ये कहां से एराइज होता है, इंटाइन से वो यहां से एराइज होता है, देखो, और ये एराइज जो हुआ ये बिल्कुल जर्म पोर से निकल जाएगा, एंड pollen tube usually arises as an extension of intyme. Intyme में extension के form में arise होता है। ठीक है या दिक्कत है बताओ? ठीक है। चलो फटाफट से इतना लिख लो। Diagram भी बना लो ये वाला। लिखो एक line extra है but लिख लो। लिखो pollen kit। ज़्यादा नहीं बताएंगे बस थोड़ा सा एक line ताकि कभी पूछ दे तो काम आ जाए। Pollen kit। सीधा लिख लो मोस्टली फाउंड इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट, क्या होता है का जरूरत नहीं, कहां मिलता है ये अगर पूछा भी, ये तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर पूछा कुछ पॉलन किट से तो वो पूछेगा कहां मिलता है, तो सीधा लिख लो मोस्टली फाउंड इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट, मोस्टली फाउंड इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट। नेक्स्ट इज एक पॉइंट इन टाइम के लिए भी, एग्जाइन में तो लिख लिया कि डिसकंटिन्यूअस होता है,
बीच बीच में गैप्स होता है, उन गैप्स को जर्म पोर बोलते हैं, और उसी जर्म पोर से इंटाइन का एक्सटेंशन के फॉर्म में पॉलन ट्यूब निकलता है। इतना बात हम लोग कर चुके। अब इंटाइन के लिए एक लाइन बस लिख लो, इट इज या ऐसे लिख लो, द इंटाइन इज अ थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर, इंटाइन इज थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर, इंटाइन इज थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टीन। The intine is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. Made up of cellulose and pectin. Pectin na. Pectin. Made up of cellulose and pectin. PECTIN. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, मेल गैमेटोफाइट एंड इट्स डेवलपमेंट। मेल गैमेटोफाइट एंड इट्स डेवलपमेंट। अच्छा एनसीईआरटी पेज नंबर 23 ओपन करो। इसमें फिगर 2.4 देखो। 2.4 हाँ। 2.4 देखने के बाद एक बात साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा पूरा डायग्राम है, इस पूरे डायग्राम में तुमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कुछ फिगर्स दिया हुआ है पॉलन ग्रेन का। देखो इसके एग्जाइन पे कितना सारा डिजाइन्स है, देख पा रहे हो? हाँ ठीक है, तीसरे वाले में तो बहुत साफ साफ दिख रहा है, दूसरे में भी दिख रहा है, पहले में भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है डिजाइन्स, है ना? पॉलन ग्रेन की कांटा की वो कांटा तुमको लग रहा है, एक्चुअली वो डिजाइन्स है, ठीक है, स्पोरोपोलिनेन है वो सब, ठीक है। नेक्स्ट इज 2.5 का बी वाला डायग्राम देखो। बी वाले डायग्राम में चौथा डायग्राम सबसे नीचे वाला, जहां जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल दिखा रहा है। हाँ। देखा जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल को ध्यान से देखो तो पता चल रहा है कि एक पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल होता है, एक होता है जनरेटिव जो बहुत छोटा है, एक होता है वेजिटेटिव जो बहुत बड़ा हो। और नाम ही काम के बारे में बता रहा है, जनरेटिव मतलब वही बाद में रिएक्ट करके नया सीड बनाएगा, और वेजिटेटिव मतलब उसका कोई खास काम नहीं है, वो सिर्फ उसको न्यूट्रिशन या कुछ प्रोटेक्शन इस तरह से काम के लिए होता है, ठीक है। चलो अब पहला पॉइंट लिखो, पॉलन ग्रेन मे बी बेस्ट डिफाइंड एज, पॉलन ग्रेन मे बी बेस्ट डिफाइंड एज पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन मे बी बेस्ट डिफाइंड एज पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मतलब मेल गैमेट, मेल गैमेट, सेल ऑफ माइक्रोस्पोर डिवाइड्स इनटू, अभी तो बताए थे मेल गैमेट कितने सेल में डिवाइडेड होता है, टू, वेरी गुड, सेल ऑफ माइक्रोस्पोर डिवाइड्स इनटू लार्ज ट्यूब सेल, divides into large tube cell, tube cell actually vegetative cell का एक और नाम है, bracket में लिखी लो, large tube cell या vegetative cell with large nucleus
विथ लार्ज न्यूक्लियस एंड अ स्मॉल जनरेटिव सेल एंड अ स्मॉल जनरेटिव सेल, मतलब एक सेल दो में डिवाइड, जैसे देखो ये है हमारा पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन दो सेल्स में डिवाइड होगा, एक नीचे में छोटा सा होगा जनरेटिव सेल और ऊपर में जो बड़ा सेल होता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। चलिए फटाफट से लिख लीजिए या डायग्राम भी बना लो इसको। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस बड़ा होता है, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस छोटा होता है। अब जो भी पढ़ा रहे हैं इस सब टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब आज जो भी पढ़ा है ना उससे अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन उसको पूछना होगा, जो कि हर साल चार क्वेश्चन पूछता है नीट में, एक क्वेश्चन तो यहाँ से होता ही है। चार क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में काउंट होता है, चार तो मिनिमम, पांच छह भी पूछा हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पूरे 11th 12th बायोलॉजी का। हो गया नेक्स्ट पॉइंट लिखो। और आज जो पढ़ा रहे हैं ना उससे एक क्वेश्चन मान लो, कम से कम एक क्वेश्चन जो भी आज पढ़ेंगे उसमें से, हर साल नीट में होता है। नेक्स्ट, द वेजिटेटिव सेल इज बीगर हैज अबंडेंट फूड रिजर्व। द वेजिटेटिव सेल इज बीगर हैज अबंडेंट फूड रिजर्व। The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve, and a large irregularly shaped nucleus. The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve, and a large irregularly shaped. देखो इसका जो nucleus होता है ना, actually में किसी भी shape का हो सकता है, fix नहीं है इसका shape. ये भी इसी में mark ही कर देता हूँ, तुम्हें क्या tension है ना? irregular न्यूक्लियस का, हाँ न्यूक्लियस का शेप इरेगुलर होता है, मतलब न्यूक्लियस फिक्स नहीं होता उसका शेप, ये गोल ही होगा या लॉन्ग ही होगा या ओवल ही होगा, फिक्स नहीं होता। फिक्स हो जाए तब उसको बोलते हैं रेगुलर शेप, अगर शेप चेंज होता है तो उसको बोलते हैं इरेगुलर शेप। ठीक है, रुकिए बनाने दीजिए, बना लो फटाफट से डायग्राम। हो गया। नेक्स्ट, द जनरेटिव सेल इज स्मॉल ये स्मॉल होता है, फ्लोट्स ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, floats on the cytoplasm of vegetative cell, floats on the cytoplasm of vegetative cell and it has spindle shaped. It has spindle-shaped nucleus and it has spindle-shaped nucleus. It has spindle-shaped nucleus with dense cytoplasm. It has spindle-shaped nucleus with dense cytoplasm. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द होल बुक, एट टू सेल स्टेज। डायग्राम स्पिंडल शूट, हाँ हो गया। अभी देखो जो बता रहे हैं वो सुनो, नॉर्मली क्या होता है कि ये देखो ये एक पॉलन ग्रेन है,
इस पॉलन ग्रेन का मेजर पोर्शन ऊपर वाला ये क्या है, वेजिटेटिव सेल, क्या है, वेजिटेटिव सेल. तो ये हमारे किसी काम का है नहीं. नहीं. ये वाला सेल कौन सा सेल है, जनरेटिव सेल, हमारे यही काम का सेल है. एक्चुअली में जब ये पॉलन ग्रेन और मैच्योर करता है तो ऊपर में एक जो वेजिटेटिव सेल था वो तो है, बट ये जो जनरेटिव सेल है ना ये एक और बार डिवाइड करता है और इसके अंदर दो सेल बन जाता है. कितना, दो सेल. अगर हम इस केस में बात करें तो यहाँ पॉलन ग्रेन ओवरऑल कितने सेल का है, पॉलन ग्रेन दो का, दो सेल का, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल. यहाँ बात करें तो यहाँ पॉलन ग्रेन कितने सेल का है, तीन सेल है ना, तीन सेल का, एक वेजिटेटिव और दो जनरेटिव. ये दिमाग में रखना है. सबा का मैसेज आ रहा है, आने दो, बहुत मैसेज करती हूँ उसके बाद भी. अच्छा कोई बात नहीं, करने दो, अभी पहले पढ़ो. पूछ रही है तुम लाइव क्लास अटेंड की. अच्छा अभी चल ही आ रहा है तो ना, अभी उसको रिप्लाई मत करो, बाद में बात करो. देखो ठीक है, तो दो सेल का नॉर्मली बट तीन सेल का भी हो सकता है. आवाज जा रहा है जरा? हाँ आ रहा है, आ रहा है. आई गेस पता नहीं ये रिकॉर्डिंग ले रहा नहीं ले रहा, यहाँ पे तो लग रहा है कि किसी हैंग किया वैसे, बट खैर कोई नहीं, जा रहा है तो बस सुनते रहो. तो नॉर्मली ये दो सेल का होता है, या यूं बोले कि हमेशा फाइनली तो वो तीन सेल का ही हो जाता है, बट इनिशियली वो दो सेल का. एक्चुअली में जो मैक्सिमम ऑलमोस्ट 60% ऑफ एंजियोस्पर्म जो है उनमें पॉलिनेशन टू सेल्ड स्टेज में ही हो जाता. 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन टू सेल्ड स्टेज में ही हो जाता है. बाकी कितना बचा, 40%. तो बाकी 40% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन थ्री सेल्ड स्टेज में होता है. ठीक है, अब मान लो किसी में अगर टू सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन होगी, लेकिन एंथर से स्टिग्मा पे जब इस पॉलन ग्रेन पहुंच गया तो उसके बाद भी वो पॉलन ग्रेन दो सेल से तीन सेल में कन्वर्ट हो ही जाएगा, क्योंकि लास्टली जो पॉलन ट्यूब जब फ्यूज करता है तो उसके अंदर दो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस होता है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है. मतलब भले ही पॉलिनेशन पहले ही हो गया एक्चुअल मैच्योरिटी के पहले, बट लास्टली वो कितने सेल में ही बदल जाएगा, तीन में. ठीक है, तो मोस्टली वो दो सेल में, लास्टली तीन सेल में. तो टू सेल स्टेज ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन होता है, थ्री सेल्ड स्टेज में बाकी में पॉलिनेशन होता है. ठीक है, चलो हमको लग रहा है पता नहीं यहाँ शायद हैंग किया नहीं कि अमृत नहीं लेते, आज के क्लास यहीं पे रोक देते हैं और बाकी अगले क्लास में देखेंगे. ठीक है, या नहीं होगा तो एक 15-20 मिनट का वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल देंगे, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा मेल वाला. ठीक है, ठीक है, चलिए ओवर.